हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट की। आज के दिन की बात करें तो फिलहाल हमको स्टॉक 1% के अपसाइड के साथ ट्रेड होता नज़र आ रहा है। इससे पहले वीडियो में जब स्टॉक बाउंस बैक हुआ था हमने डिस्कस किया था कि 40 का लेवल तगड़ा रेजिस्टेंस रहेगा, इसको ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर लगातार तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। 40 के लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया और लगातार लो और लो पैटर्न के साथ हमको गिरावट दिखाता नज़र आ रहा है। जब गिरावट आई थी हमने डिस्कस भी किया था इस सपोर्ट लेवल को, यानी 3650 और तगड़े सपोर्ट के तौर पर 34 के लेवल को हमने डिस्कस किया था। हम देख सकते हैं स्टॉक इसी सपोर्ट के आसपास से सपोर्ट लेकर बाउंस बैक होता नज़र आ रहा है। यहाँ ऊपर की ओर स्टॉक ट्रेड होता नज़र आ रहा है, 38.15 पैसे पर फिलहाल ट्रेड हो रहा है। स्टॉक यहाँ से हमको तेज़ी दिखा सकता है, लेकिन जो आप इमीडिएट रेजिस्टेंस बनने वाले हैं उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट लेवल तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि 36 का लेवल और तगड़े सपोर्ट के तौर पर 34 का लेवल रहेगा। अब जंप आता है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस फेस करेगा 39 के लेवल पर, जहां स्टॉक हमको रेजिस्टेंस फेस करता नज़र आया है। इससे पहले भी रेजिस्टेंस स्टॉक ने 39 के लेवल पर फेस किए हुए और इसको ब्रेकआउट कर गया तो मेजर रेजिस्टेंस रहेगा 40 का लेवल। यहां तक का जंप हमको ट्राइडेंट दिखा सकता है, लेकिन इस बाउंस बैक के साथ 40 का लेवल ब्रेकआउट होना इम्पॉर्टेंट रहेगा। 40 का लेवल अगर ब्रेकआउट करके स्टॉक इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है ट्राइडेंट, तो फिर क्लियर कट अप ट्रेंड का सिग्नल रहेगा। लेकिन 40 का लेवल इसका तगड़ा रेजिस्टेंस होने, इसके आसपास फ्रेश बाइंग अवॉइड करना ठीक रहेगा। पहले ब्रेकआउट करके स्टॉक को सस्टेन होने देते हैं, अगर सस्टेन हो जाता है 2-3 दिन तो वैसे कंडीशन में फिर ट्राइडेंट यहाँ से रिकवरी और तेज़ी बताता हुआ नज़र आ सकता है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।